हेलो फ्रेंड्स, आज हम शाही पनीर बनाएंगे। शाही पनीर के लिए हमने पनीर लिया है, तेल चाहिए, पानी चाहिए, नमक चाहिए, एक हरा मिर्च, अदरक, तेज़पत्ता, काली मिर्च, लौंग, कस्तूरी मेथी और अपने जो रेगुलर मसाले होते हैं, पिसे हुए मसाले, जैसे हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जीरा, ये सब हमें शाही पनीर बनाने के लिए चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टमाटर, काजू, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट बना देंगे। इसको हम मिक्सी ग्राइंडर में डालेंगे और इसका पेस्ट बनाकर पहले तैयार कर लेते हैं। हमने टमाटर, काजू, अदरक और एक हरी मिर्च का पेस्ट तैयार कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब हम कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालेंगे। कढ़ाई हमारी लो फ्लेम पे है। अब तेल को थोड़ा गर्म होने देंगे, उसके बाद हम इसमें मसाले डालेंगे। अब हम देख सकते हैं तेल थोड़ा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे जीरा। तेज पत्ता, और हमने जो लौंग और काली मिर्च निकाली थी वो सब डालेंगे। थोड़ा सा मसाले को चलाएंगे। अब हम इसमें जो हमने प्यूरी तैयार की थी वो प्यूरी इसमें डाल देंगे। अब हम प्यूरी को जो मसाले में जो हमने डाली थी उसको चलाएंगे, जिससे कि मसाला और प्यूरी आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। हमने मसाले और प्यूरी का जो मिक्स था उसको अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें डालेंगे पिसे हुए मसाले, जैसे कि हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, कस्तूरी मेथी, और अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। हम इस पूरी ग्रेवी को अभी तक हमने लो फ्लेम पर ही चलाया है, इसको लो फ्लेम पर ही हम चला रहे हैं। ग्रेवी हमारी थिक हो चुकी है। अब हम इसमें पानी डालेंगे। हमने इसमें पानी डाल दिया है, अब हम इसको चलाएंगे। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। और इसको चलाएंगे। इसको थोड़ी देर लो फ्लेम पर पकने देंगे। तब तक हम पनीर के क्यूब्स कट कर लेते हैं, जब तक हमारी ग्रेवी लो फ्लेम पर पकती रहेगी। हमने ग्रेवी थोड़ी पतली रखी है, बट अगर आप चाहेंगे तो आप इसमें थोड़ा पानी कम रख सकते हैं, जिससे आपकी ग्रेवी थोड़ी थिक रहे। अदरवाइज आप भी ऐसी पतली ग्रेवी के साथ शाही पनीर बना सकते हैं। अब हम इसमें पनीर क्यूब्स डालेंगे। और अब हम पनीर क्यूब्स को चलाएंगे।
थोड़ी देर इसको पकने देंगे। इस समय इसमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी अरोमा आ रही है। ये खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगेगी आपको। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। अभी हम इसको पकने देंगे थोड़ी देर। हमने पनीर के साथ ग्रेवी को काफ़ी देर पका लिया है। अब हम इसमें हरा धनिया डाल देंगे। और अब हम इसको चलाएंगे। थोड़ी देर इसको चलाएंगे और हमारी सब्जी अब तैयार हो चुकी है। अब आप इसको नान के साथ, रोटी के साथ, फुलका के साथ या किसी भी चीज़, जैसे मिस्सी रोटी या किसी भी चीज़ के साथ आप इसको खा सकते हैं। आपको बहुत स्वाद आएगा। ये हमारी सब्जी तैयार हो चुकी है, इसमें खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। थैंक यू दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और जो हमने ग्रेवी बनाई है उसी तरीके से आप भी बनाएंगे और आपको वह भी पसंद आएगी। थैंक यू, धन्यवाद।